नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी अच्छे होंगे। बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट्स एक कॉमन क्वेश्चन मुझे पूछते हैं कि सर, मैंने कई जगह पे अप्लाई किया लेकिन मेरा रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं होता, कई सारे एप्लीकेशन किया, तो इसका अल्टीमेटली आउटपुट ये है कि आपको जॉब नहीं मिल रहा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जॉब मिलने के लिए इतने सारे एप्लीकेशन करते बट स्टिल देयर इज नो एनी रिस्पॉन्स। ठीक है, तो आज मैं आपको इसका सही आंसर बताऊंगा, इसके पीछे का रीजन क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है, ये मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो आई होप ये सारे लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, जहां पे आपको पता चलेगा एग्जैक्ट रीजन कि क्यों आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा। देखिए, जब सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन के पीछे का प्रोसीजर बहुत लंबा है। सबसे पहला, कोई भी पोजीशन देखने के बाद आप रिज्यूम आप अपलोड करते हैं इसी कंपनी के पोर्टल पे या फिर गिवन ईमेल आईडी पे जो एचआर का हो सकता है, और इसके बाद वो रिज्यूम जाएगा कंपनी के पास और कंपनी के सिस्टम में वो चेक होगा रिज्यूम। उसके बाद अगर वो शॉर्टलिस्ट होता है तब जाके आपको कॉल आएगा एचआर का, और इसके बाद फिर वेरियस राउंड्स जैसे एचआर राउंड, टेक्निकल राउंड, फिर आपका सिलेक्शन होता है। तो ये तो इन नेक्स्ट बात है, लेकिन इससे पहले आपका रिज्यूम तो शॉर्टलिस्ट होना चाहिए, ये सबसे प्रिलिमिनरी स्टेप है। आपका जॉब एप्लीकेशन एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रहा, तो इसके पीछे जो 5 रीजंस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारा चैनल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के रिलेटेड वेरियस कैरियर अपॉर्चुनिटीज, साथ ही इंटरव्यू प्रिपरेशन, सर्टिफिकेशन कोर्स एंड बिजनेस भी अगर आप करना चाहते हैं फार्मा में तो इसकी भी जानकारी देता है। तो अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हैं या फार्मा इंडस्ट्री में करियर या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो कई सारे लोगों तक शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रीजन है, रिज्यूम वाज नॉट वेल डेवलप्ड या डिजाइन। रिज्यूम पे बहुत सारी चीजें निर्भर होती है, कभी भी रिज्यूम को लाइटली मत लीजिए। देखिए, एक्चुअली कंपनी के बहुत सारे एमएनसी कंपनी के रिज्यूम एटीएस सिस्टम से जाते हैं, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। वहां पे क्या होता है एग्जैक्टली, आपका रिज्यूम उसी प्रोफाइल के लिए बना है कि नहीं वो देखना पड़ता। बेसिकली अगर आपका रिज्यूम प्रॉपर नहीं है, सिस्टमेटिक नहीं है, तो आपका रिज्यूम मतलब रिजेक्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इसमें रिज्यूम में क्या होना चाहिए, रिज्यूम में बेसिकली करियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपके एकेडमिक्स डिटेल होने चाहिए, अगर आपने प्रोजेक्ट वर्क किया है तो वो होना चाहिए, अगर कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किया, वर्कशॉप किया है, वेबिनार अटेंड किया है, ये डिटेल्स होने चाहिए। इसके बाद आपके को करिकुलम एक्टिविटीज़ होने चाहिए या कोई पब्लिकेशन है, रिसर्च पेपर आपने पब्लिश किया है, इसका जिक्र होना चाहिए। इसके बाद हॉबीज है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, लैंग्वेज नोन है, ठीक है, इसके बाद आपके स्किल्स आप बोल सकते हैं, और आपके पूरे डिटेल, लिंक्डइन प्रोफाइल हो या फिर रेफरेंस हो, हर चीज़ वहाँ पे होनी चाहिए। बेसिकली इसमें आपका कैसे आप इस रिज्यूम को डेवलप कर सकते हैं, इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाए, ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, वो वीडियो देखिए। लेकिन देखिए, आपका रिज्यूम प्रॉपर होगा तभी आपका एटीएस सिस्टम में से वो पास हो सकता है। इसके लिए रिज्यूम में प्रॉपर आपके टैग्स होने चाहिए, जैसे कि फार्माकोविजिलेंस, फार्माकोविजिलेंस में ड्रग सेफ्टी या फिर एडवर्स इवेंट, एडवर्स रिएक्शन, केस प्रोसेसिंग, ICSR, नैरेटिव, मेड्रा कोडिंग, ये जो टैग्स है वो बहुत ज़रूरी है। इसके रिलेटेड कुछ ना कुछ तो वर्क को आपने किया होना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल दिया मैंने, वैसे अगर रेगुलेटरी में है तो गाइडलाइंस होती है, रेगुलेशंस होती है, देन डोजियर प्रिपरेशंस होता है, वेरियस मार्केट्स है, यूरोपियन मार्केट है या फिर यूएसए मार्केट है, ROW मार्केट है, कौन से मार्केट की जानकारी है आपको, नए अपडेट्स की जानकारी होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपके रिज्यूम में दिखनी चाहिए, ठीक है। ये अगर आप में रिज्यूम में नहीं है तो चांस बहुत कम है, आप सिर्फ कहीं से इंटरनेट से उठाएं और वो आपने रिज्यूम डाला या फिर किसी फ्रेंड से लिया और उसको एडिट करके आपने फिर सेंड किया, वो सही नहीं है। और साथ ही आपका प्रोफेशनल फोटो तो होना ही चाहिए उसमें, ओके। तो ये सबसे पहला रीज़न है, रिज्यूम वॉज नॉट वेल डेवलप्ड। सेकेंड, रॉन्ग रिज्यूम एट द रॉन्ग प्लेस। अब देखिए, रॉन्ग रिज्यूम राइट रॉन्ग प्लेस मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो आप रेगुलेटरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और रेगुलेटरी में अगर आपने मार्केटिंग के या एकेडमिक्स के आपने इंटरेस्ट दिखाया तो वो नहीं सही रहेगा। हाँ, आप इंडस्ट्री के दिखा सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस बता सकते हैं, इवन R&D भी बता सकते हैं, साथ ही फार्माकोविजिलेंस भी बता सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च बता सकते हैं, ये तो एक अलाइन्ड फील्ड्स है, ठीक है, रेगुलेटरी में, क्योंकि रेगुलेटरी आपका इंडस्ट्री में भी
यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग में और साथ ही क्लिनिकल रिसर्च में भी यूज होता है। तो ये रिलेटेड फील्ड्स है, ये कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका रिज्यूम में जो दिखाया गया है वो कम्प्लीटली अलग है, वो रिज्यूम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए सही है लेकिन वही रिज्यूम आपने यहाँ पे क्लिनिकल रिसर्च हो, रेगुलेटरी हो, इस अलग डोमेन के लिए सबमिट किया, तो आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप इंटरेस्टेड दिखे नहीं रहे रिज्यूम से तो आप एक्चुअली इंटरव्यू में भी परफॉर्म नहीं करोगे, ऐसा ही कंसिडर किया जाएगा। ओके, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है। तीसरा रीजन है बल्क हायरिंग। बल्क हायरिंग जब होती है ना, तब चांस होता है आपके रिज्यूम को, अगर आप मतलब बहुत सारे कैंडिडेट है, जैसे कि मान लो एप्लीकेशन है, पोस्ट है 100 और एप्लीकेशन आए 1000 या फिर 1200-1500, तब रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस कम हो सकते हैं। ये डिपेंड है कंडीशन टू कंडीशन, ये एप्लीकेबल डिपेंड है, मतलब आपके लक पे भी रहेगा ये चीज़। आपने अगर प्रॉपर रिज्यूम बनाया है और आप ही आपके जैसे रिज्यूम बहुत सारे स्टूडेंट के है ये, तो फिर ये चीज़ें में भी आपका रिज्यूम शॉर्टली होगा या नहीं होगा ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक लक फैक्टर पे रहेगा ये पॉइंट। आप यहाँ पे क्या करना है, आपको रिज्यूम तो सबमिट करना ही है लेकिन साथ ही कवर लेटर भी आप सबमिट कीजिए, सो दैट वो इम्प्रेसिव लगे, कुछ ना कुछ तो अलग लगना चाहिए। ईमेल बॉडी, सब्जेक्ट लाइन, इस पर काम करना चाहिए आपको। ईमेल बॉडी कैसी होनी चाहिए इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाए, ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, वो वीडियो देखिए। ओके, तो ये एक रीज़न है। इसके बाद जो नेक्स्ट रीज़न है वो है एक्सपीरियंस पर्सन अगर आपके पोजीशन के लिए अप्लाई करता है, फॉर एग्जांपल एक ऐसी या फिर इवन हायर क्वालिफिकेशन का भी, जैसे कि एक वैकेंसी है मेडिकल राइटिंग के लिए, वहां पे बी फार्म लिखा है लेकिन एम फार्म भी अप्लाई कर रहे हैं या एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और वो उस पैकेज के लिए रेडी भी है, तो फिर आपको रिज्यूम के लिए मतलब वो कॉल नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी अल्टीमेटली प्रेफरेंस उनको पहले देगी, कि क्योंकि वो स्किल्ड है, इवन हाई क्वालिफिकेशन ज़्यादा होता है तो वो स्किल्ड है, तो कंपनी को स्किल्ड एम्प्लॉय लगते हैं। एक्सपीरियंस है तो वो भी सही होता है कंपनी के लिए, अगर वो उस विद इन ब्रैकेट के पैकेज में वो अगर मतलब वो मान लेते हैं तो आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो इंटरनल बातें हैं, आपको पता नहीं चलेगी, बट हाँ ये भी एक स्ट्रॉन्ग रीज़न हो सकता है आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट ना होने के लिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट है और लास्ट है, यहाँ पे दो रीजन में बताऊंगा। सबसे पहला, कई कबार कंपनी क्या करती है कि प्रोजेक्ट आने वाले है, ओके, मतलब अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ऑन्कोलॉजी का प्रोजेक्ट आने वाला है, तो बहुत सारे फार्माकोविजिलेंस के लिए बल्क हायरिंग होगी या फिर इवन क्लिनिकल रिसर्च के लिए भी होगी, इवन प्रोडक्शन में भी कई सारा नया प्लांट मतलब प्लान करते हैं तब हायरिंग कर लेते हैं लोग, तो उसमें होता है क्या है ना, तो आगे जाके अगर वो प्रोजेक्ट नहीं आता या फिर कोई मिसमैनेजमेंट होती है और वो कंडक्ट नहीं किया जाता प्रॉपर मतलब समय पे, तो वो हायरिंग होल्ड पे रखी जाती है। ठीक है, तो आपको वो पता नहीं चलेगी, हायरिंग होल्ड पे ऐसा कोई बताएगा नहीं, बेसिकली आपके रिज्यूम कलेक्ट किए जाएंगे और जब वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड देन वो आपके रिज्यूम देखेंगे और फिर आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, ये एक रीजन है। और इसमें नेक्स्ट रीजन है कि रेफरेंस, अगर आपका रिज्यूम है और आप सबमिट करते हो और साथ ही एक दूसरे का रिज्यूम है और वहां पे रेफरेंस है इसका, तो मे बी रेफरेंस को प्रेफरेंस दिया जा सकता है। ओके, क्योंकि वहां पे क्या होता है ना, कंपनी में कैसा होता है ना, कंपनी के एम्प्लॉय को भी रेफरेंस देने का राइट्स होता है। ठीक है, और इवन कंपनी पहले क्या करती है, इंटरनल एम्प्लॉय को पूछती है कि यहाँ पे पोजीशंस हैं, सबको ऑफिशियल ईमेल आ जाते हैं, अगर आपका कोई रेफरेंस है तो यू जस्ट शेयर देयर रिज्यूम्स, तो उसमें से शॉर्टलिस्ट किए जा सकते हैं, और उसमें से भी नहीं हुए तो फिर वो पब्लिक किए जाते हैं। तो ये एक मतलब ये भी कंडीशन हो सकती है, ये जरूरी नहीं कि हर बार होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी हो सकता है और इसके वजह से भी आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपका रेफरेंस नहीं है उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, तो ठीक है, तो देखिए ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको इसमें सोल्यूशन भी मैं बताऊंगा। सबसे पहला सोल्यूशन है कि आपका ATS कंपैटिबल रिज्यूम होना चाहिए। सबसे पहला जो आप मैंने बताया कि रिज्यूम प्रॉपर नहीं है, टैग्स उसमें नहीं है, रिलेटेड फंक्शंस आपने डाले नहीं है, तो रिज्यूम रिजेक्ट होगा, तो वहाँ पे आप ATS कंपैटिबल रिज्यूम बनाइए। उसके बाद दूसरा भी यही आंसर है दूसरे का भी, कि आप प्रॉपर रिज्यूम बनाएंगे एक प्रॉपर पोजीशन के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वही डिपार्टमेंट सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता।
ठीक है, जैसे कि आप एकेडमिक्स में अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वो रिज्यूम आपका अलग होगा, वहाँ पे रिसर्च पेपर आपकी स्टडी रिलेटेड वर्क ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मार्केटिंग रिलेटेड, सेल्स रिलेटेड कुछ भी आपने किया है तो वो आपको दिखाना है, राइट। तो वो दोनों डोमेन अलग है, तो दोनों का रिज्यूम अलग रहेगा, फाइन। और तीसरा जो है, मैंने ऑलरेडी तीसरे का सोल्यूशन बताया, जब बल्क में हायरिंग होती है तब आपको कवर लेटर भी और ईमेल बॉडी सब्जेक्ट लाइन प्रॉपर होनी चाहिए, तब जाके आपके रिज्यूम शॉर्टली होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद रेफरेंस अगर देखिए, रेफरेंस अगर होता है तो मे बी ट्राई टू गेट रेफरेंस किसी भी पोजिशन के लिए। कोई भी आप, मतलब मान लीजिए एप्सर कंपनी में ओपनिंग है, तो एप्सर कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय को आप कनेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये पोजिशन के लिए अप्लाई करो, कैन आई गेट योर रेफरेंस। अगर होता है, पॉसिबल होता है तो कीजिए, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली सबमिट। लेकिन ये कंडीशन हर बार नहीं होती, लेकिन हाँ आप ट्राई कर सकते हैं रेफरेंस के लिए। एंड पोजीशन होल्ड पे है, ये तो सबकी पोजीशन होल्ड पे रहेगी, राइट, मतलब जितने रिज्यूम आए, सो दिस इज कॉमन फॉर ऑल ऑफ यू। तो पोजीशन जब ओपन होगी तब अगर आपके ATS सिस्टम रिलेटेड आपने रिज्यूम बनाए हैं, प्रॉपर फॉर्मेट्स फॉलो किए, तो डेफिनेटली शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ये सारे रीजंस थे जो आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट ना होने के बहुत महत्वपूर्ण कारण है, और इसके सॉल्यूशंस भी मैंने बताए। तो वीडियो अगर ये अच्छा लगता है, हमारे सारे जो बताए गए रीजंस और उसके सॉल्यूशन आपको सही लगते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसको फॉलो भी करें, और आप हर जॉब के लिए अप्लाई करते समय हर चीज़ देखें, केस कौन सी पोजिशन है, कौन सी कंपनी है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, आपके रिज्यूम में वो चीज़ें होनी चाहिए, मतलब कोशिश कीजिए वो हो, ठीक है। तो ये अगर वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस वीडियो को कई सारे स्टूडेंट्स तक, अपने कलीग्स तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।